रसोई नहीं बाटे नहीं बाटे तू वही आया तू फेरी आई है ना रोवा जनाब तबीयत खराब चलत बा दवाई लेके बाटे लिया जाए भैया ऐसे सोई जाते हैं रोवा मत ये तस्वीर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले बोले जिन्होंने इनका पैसा खाया है जो क्राउड फंडिंग हुआ था सबसे पहले तो भरे बाजार में खींच के उस इंसान को लाया जाना चाहिए कि भेजा हुआ पैसा कहाँ गया और उसके बाद कोटेदार जो इनको राशन नहीं दे रहा है बदहाल है अंतिम क्षणों में इनके पास पहुँचना इसलिए भी जरूरी है ताकि इन्हें लगे कि जब मैं किसी बिस्तर पर लेट कर अपनी मौत की प्रतीक्षा कर रहा थी इस वक्त मैं भदोही जिले के पूरे खुशहाल गाँव में बैठा हुआ हूँ। फ्रेम में जो आपको शख्सियत नजर आ रहा है इनका नाम चौथी बनवासी है। पिछली बार हम लोगों ने इनकी आपको कहानी दिखाई थी इनके परिवार के सारे सदस्य इनका साथ छोड़कर इन्हें अकेला तनाव छोड़कर जा चुके हैं। कोटेदार लगातार इनको राशन भी नहीं दे रहे हैं आर्थिक तंगी से ये जूझ रहे हैं और हम लोगों ने तमाम जनप्रतिनिधियों से कोटेदारों से सांसद विधायक सबसे बातचीत करी कि कृपया इनकी आर्थिक मदद करी जाए और जिस तरीके से ये गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं इनके लिए कोई समाधान निकाला जाए। आप यकीन करिए भदोही का कोई भी जनप्रतिनिधि चाहे वो पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो इनका चेहरा तक देखने नहीं आया लेकिन जैसे ही जिंदगी ने करवट बदली और इनकी ये दुर्दशा हुई सब लोगों ने साथ छोड़ दिया। क्या अपने क्या पराए कोई भी नजर नहीं आ रहा है। राहत सामग्री के नाम पे तमाम चीजें इनके लिए भदोही से भारतीय जनता पार्टी के नेता शशांक मिश्रा और जन कल्याण सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित ब्राह्मण जी को जैसे ही इस बारे में पता चलती है तब के उन्होंने ये सारे इंतजाम कराए हैं और इसके बाद इन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा इनका फिर से एक बार वैसे इलाज करवाया जाएगा और जिस तरीके से इन्हें लगता है कि इंसानियत एक तरफ मर रही है उस इंसानियत को कहीं ना कहीं जिंदा दिखाकर जिंदगी जिंदाबाद का नारा लगाया जाएगा। अब मैं चौथी से बात करूंगा का हाल बाटे गरीबी में और राशन मिला था ना राशन भाई तू रावत मिले एक बार आए रहे एक बार पहुँचवाए रहे हाँ तू पहुँचवाए रहे एक बार तो हम सब दे की गरे कोटेदार देते हैं राशन बराबर नहीं हाँ? नहीं का कहे थीन कहते भाई लिखाई के लिए आवा लिखाई के लिए आवा आप उनसे बताए ना कि हम चल ना सकित हम डोल ना सकित हम रेंगत रेंगत कैसे कहाँ लिखावा जाये पूछो ना उनसे आप नहीं तभी बतावा खाना पीना ठीक से मिलत बा नहीं भैया नहीं खाना पीना ठीक से नहीं मिलत बा नहीं राशन ही नहीं बाटे नहीं बाटे तू वही आया तू फिर आई है ना तुम्हें दुई बार होते और कोनो नेता नहीं आए सुधले नहीं भैया नहीं रोवा मत आप रोवा मत कोनो नेता सुधले नहीं आए वोट ले जे आवत है प्रधान आई रहे को दिना देखे तो के रोवा मत आप रोवा मत क्यों देखे ना आई ना रोवा जनाब तबीयत खराब चलत बा तबीयत का दवाई लेके बाटे ले लिया जाए भैया अरे हम सब लिया चलब ना जैसे पिछली बार लिया गए रहे हाँ अब देखा है सब आई है जोन बाटे जैसे पता चला ये सब आई है मदद करे बिना तो आप ले आए हैं कपड़ा लिया है और सब ले आई है और जोन भी व्यवस्था हो कर ही कहा था ठीक हाँ ठीक तो देखभाल करे वाला बचा बा के बारे नहीं बचे हैं भाई है ये सब तो भाई के घरवा क्यों आवा तो देखभाल करे यहाँ क्यों बचा बा नहीं नहीं क्यों नहीं होते क्यों नहीं होते ना नहीं दाढ़ी बनो ऊपर चला देखा जाए भाई चला आज बनाई दे जही दाढ़ी जोन बाटे यहाँ ठीक बाटे तो दवाई पैसा बिना दवाई लेना ही गया नहीं पैसा नहीं तो रहन की तोरे खतवा में बड़ा पैसा भेजे हैं सब आई बा नहीं पैसा भाई नहीं तोरे खाता में पैसा नहीं आई बा नहीं तब जोन जनता कुल पैसा भेजे कहाँ गवा नहीं जरा देख ले तू घर है देखे पैसा हाँ कई रुपया निकला हूँ मन कई रुपया नहीं भाई यहाँ समय तोड़ लगे को पैसा नहीं बा जोन जनता पैसा भेजे पता नहीं के ले लिए सा का जाने के निकाल लिए
क्राउड फंडिंग के माध्यम से इनके अकाउंट में ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 10,000 रुपए तक भेजे गए थे। अब वो 10,000 रुपया कहाँ है ये सवाल तो बनता है। आप टेंशन मतलब पता लगाओ हमसे। सब कहा था कि 10,000 रुपया भेजा करा तोरे खाता में, तो के मिला नहीं, नहीं। हाई डालन बीच वाले भगवान जाने ये। जिकरे जिकरे यहाँ छुटके बढ़किन किया काम करते रहे, हाल चाल नहीं आवत इन कुछ मदद मिला कर नहीं भैया नहीं के नहीं के नहीं। तब राति के यही सोई जाते इसे ऐसे सोई तो भैया ऐसे सोई जाते ही पे। रोवा मत। ये तस्वीर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि अभी भी गांवों में गरीब किस हाल में रह रहे हैं, अभी भी वनवासी बस्तियों में इनका हाल कैसा है, किस बेहाली में रह रहे हैं, कितना दर्दनाक है इनकी ये तस्वीर, कितनी बदसूरत है इनकी ये कहानी जिसे कोई सुनना नहीं चाहेगा। और मैं धन्यवाद देता हूँ जो दो मेरे फ्रेम में पीछे नजर आ रहे हैं, जो हर एक मुद्दे में आगे बढ़ चढ़कर हमारे समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, समाज को बदलने का काम कर रहे हैं और हर एक गरीब गुरगा तक पहुंचकर उसकी मदद कर रहे हैं। इनके आंसू को देखिएगा, इनके तड़प को देखिएगा, इनकी बेबसी को देखिएगा, इनके हालत को देखिएगा, इनकी इस तस्वीर को देखिएगा। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत होगी तो शायद आपका कलेजा कपकपाए और आप बोले जिन्होंने इनका पैसा खाया है जो क्राउड फंडिंग हुआ था, सबसे पहले तो भरे बाजार में खींच के उस इंसान को लाया जाना चाहिए कि भेजा हुआ पैसा कहाँ गया, और उसके बाद कोटेदार जो इनको राशन नहीं दे रहा है, ग्राम प्रधान जो इनकी सुध लेने नहीं आता है, तमाम वादे दावे सब धरे के धरे रह जा रहे हैं। अब जन कल्याण सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जिनसे मैं बातचीत करूँगा, क्या कहेंगे इनकी हालत देख के। मैं तो कई बार आ चुका हूँ, हर बार इनकी हालत ऐसी होती है, कोशिश रही है कि मदद करी जाए, कुछ लोग कहते हैं एक तरीके का दिखावा भी होगा। सबसे पहले तो मैं लंका दहन टीम को धन्यवाद करूंगा कि ऐसे जगह पे पहुंचे हैं, इस सारी समस्या को दिखा रहे हैं, इसलिए सब सर्वप्रथम आपकी पूरी टीम को बधाई धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं कोटेदार और प्रधान के लिए कहूंगा कि कोटेदार महोदय, आप कार्ड धारकों का 1-2 किलो 5 किलो को यूनिट के हिसाब से काटते हैं तो काटिए, जो सच्चा में उनका काट रहे हैं तो ऐसे लोगों को दीजिए कम से कम 5-10 किलो महीना तो दीजिए, और नहीं देंगे तो अब आपको देना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि आपको देना पड़ेगा, किसी हाल में आप देंगे, अब हम लोग लगे हैं तो आपको देना ही पड़ेगा। ग्राम प्रधान महोदय, इस गांव पूरे खुशहाल गाँव का नाम है, तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप जब इनको खुश नहीं रख सकते तो पूरे खुशहाल नाम गाँव का हटवा कर, पूरे गांव के लिए मैं बता रहा हूँ, ये आपसे सभी से अपील निवेदन कर रहा हूँ कि जब पूरे खुशहाल गांव का नाम है तो ये दुखी क्यों हैं, कोई सुध लेने नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी समस्या यही है, पूरे खुशहाल गांव का नाम हटवा दीजिए यदि आप इन्हें खुशी नहीं दे सकते हैं। इतना बड़ा गांव होगा, यदि हर गाँव से हर महीने हर घर से 1-1 किलो राशन या कुछ मदद 10-5 रुपये 1 रुपये की मदद मिले तो इनका खर्चा चल जाएगा, कोई भी गरीब भूखा ना सोए। बिल्कुल। और भदोही से भाजपा नेता शशांक मिश्रा हैं, जैसे इन्हें पता चला इन्होंने तुरंत जो है मैसेज से बातचीत करी और मदद की, जो है इन्होंने सामने से कहा कि मदद करना चाहिए, और ऐसे तमाम लोगों का मदद पहले भी कर चुके हैं। आपने देखा होगा ठंड के वक्त में तकरीबन इस पूरे ज़िले में 10,000 कंबल बांटा गरीबों में जाकर, और तमाम काम कर रहे हैं। अब इनसे मैं जानना चाहूँगा ये सारा काम दिखावा होता है या लोगों को इससे सीख के कम से कम करना चाहिए। देखिए, वही मैं कहने वाला था कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है, जैसा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बराबर देख रहा हूं कि आप ऐसे समाज के बीच में जा रहे हैं जिनको जरूरत है, आवश्यकता है मदद की, हेल्प की, तो ऐसे हर गांव में हमें 1-2 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो इस स्थिति में हैं, जिनके परिवार में कोई ऐसा देख रेख करने वाला नहीं है, जिनकी आजीविका चलाने का कोई साधन नहीं है, जो वयोवृद्ध हो चुके हैं, जो अपने खुद के पैरों पर चल नहीं सकते, परिवार में कोई खाना बना के खिलाने वाला नहीं है, कमा के खिलाने वाला नहीं है, ऐसे लोगों को हम इस स्थिति में नहीं छोड़ सकते। हम बहुत बड़ा आरोप लगता है कि भाई ब्राह्मण है, छुआछूत मानते हैं, गरीबों के यहाँ जाते नहीं हैं। आज आप दोनों ब्राह्मण हैं, इनके पीछे बैठे हैं, अभी आप इनका दाढ़ी बनाएंगे, इनको कपड़ा पहनाएंगे, तो छुआछूत है इसे देखा जाए, या अब सर्व समाज में घोषणा कर दी जाए कि भैया इससे ऊपर उठा जाए और काम किया जाए।
देखिए, जो छुआछूत और जाति पात की बात करते हैं वो अपने आप में ऐसे लोग हो सकते हैं, पूरा ब्राह्मण समाज हो या कोई भी समाज हो, अब वैसी चीज़ें कहीं भी नहीं है। हम लोग बराबर ऐसे लोगों के बीच में जा रहे हैं, चाहे वनवासी समुदाय हो चाहे हरिजन समुदाय हो, उनके यहाँ जा रहे हैं, उनके पात्र से जल ग्रहण कर रहे हैं, जो भी पानी पीने के लिए या कुछ खाने के लिए वो ला रहे हैं, हम लोग स्वेच्छा से उसको ग्रहण कर रहे हैं। इसमें जाति पात छुआछूत की बात ही नहीं है, इसमें बात अगर है तो इंसानियत और मानवता की बात है, और इंसानियत और मानवता के ही वजह से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए, हम लोग एक मैसेज पास करना चाह रहे हैं पूरे जनपद में और साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश में, कि अगर हम लोगों को देखकर किसी एक नौजवान साथी के अंदर ये बात जागृत होती है कि हाँ, हमें भी इसी प्रकार से किसी गरीब की मदद करनी चाहिए, तो ये हम लोगों को का ये कार्य सार्थक होगा। तो ये वीडियो बनाने और लोगों को दिखाने का एक ही मकसद है कि देखिए, हम लोग दो हाथ दो पैर लेके हर जगह नहीं पहुँच सकते, तो अगर 1000 नौजवान साथी जुड़ते हैं तो 2000 हाथ और 2000 पैर हो जाएगा, तो हम लोग हर जगह पहुँच सकते हैं, तो इसका उद्देश्य यही है। तो साथियों, अभी भी समाज में ये बात कही जा रही है कि छुआछूत है, भेदभाव है, मैं इनके पास बैठा हूँ, मैं इनको छू रहा हूँ, और ये कोई एक बार की बात नहीं है कि एक बार मैं इनके पास पहुँचा हूँ, तीसरी दफ़ा हमारी टीम इनके पास पहुँची है, तीसरी बार हम लोग राशन पहुँचा रहे हैं, पिछली बार हम लोग इनको अस्पताल लेके गए थे, वहाँ पर पानी चढ़वाया गया था, प्रॉपर इलाज करवाया गया था, और मैं इस वीडियो में कह रहा हूँ कि ऐसी तमाम जो कहानियाँ आपको दिखे, आपको लोग मजबूरी में दिखे, बदहाली में दिखे, समस्या में दिखे, तो स्क्रीन पे दिखे नंबर पर कॉल करिए। मैं आपसे दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि इस पूरे जनपद का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई भी आदमी अनाज की वजह से और दवाई की वजह से मरेगा नहीं, इंसानियत मरेगी नहीं, जो जिंदगी जिंदाबाद का हमारा नारा है, निश्चित तौर पर उसे आगे बढ़ाया जाएगा।